सो स्टूडेंट्स टू रिलेटेड 50 नंबर लेसन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो आज इसमें जो है इस लेसन में हम एनिमल्स के बारे में जानकारी दी है कि जैसे कि काउ है, काउ से हमें मिल्क मिलता है, ओके, शीप से ऊन मिलता है, जो हेन है उससे एग्स मिलते हैं, ओके, और चिकन भी मिलता है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कौन से एनिमल्स हमें किस तरह से यूज में आते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 29 पे जो है 50 नंबर का लेसन दिया है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। गॉड हैज बिस्टो अवर सिरेन नेचर विथ ए वेराइटी ऑफ एनिमल अराउंड अस। गॉड ने हमारे आजू बाजू में बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स से ये जो है सराउंडिंग दिया है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजी बैलेंस ऑफ अर्थ। इससे हमारे क्या है, इकोनॉमिकल बैलेंस भी अच्छा रहता है। दे आर हाईली सर्विसेबल एज वी यूटिलाइज देम इन अ डिफरेंट वेज। और हमें हो बहुत तरह से हमें काम में आते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ ए डोमेस्टिक एनिमल विच डू द फॉलोइंग फॉर अस। यहाँ पे हमें डोमेस्टिक एनिमल के नाम लिखने हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे देखिए हेल्प काउंटर दिया है लास्ट बॉटम साइड में। उसमें जो है बुलक, हेन, गोट, शीप, हॉर्स, डोंकी, कैमल ये नेम दिए हैं। तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है और यहाँ पे फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो है गिव अस मिल्क एंड मीट। यहाँ पे आपको आंसर में गोट लिखना है। गोट से हम क्या करते हैं, हमें गोट का मिल्क भी मिलता है और जो है मीट भी खाते हैं। देन है गिव अस उल, उल हमें शीप से मिलता है इसलिए हम यहाँ पे शीप लिखेंगे। ओके नेक्स्ट है गिव अस एग्स। एग्स हमें कौन देते हैं, हेन देते हैं इसलिए हम यहाँ पे हेन लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो दी है प्लप एंड ड्रॉ कार्ड्स। प्लप और कार्ड्स को लेके जाता है वो है ऑक्स, उसको बुलक कहते हैं हम, बैल आप सभी को पता है, बैलगाड़ी। नेक्स्ट है इज यूज टू राइड और ड्रॉ कैरिज एंड टोंगा। तो ये क्या करते हैं, कैरिज करते हैं या टोंगा ले जा सकते हैं, वो है हॉर्स। आप अगर टोंगे पे बैठे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है इज यूज टू कैरी लोड, जो है कि डोंकी क्या करता है, उसके पीठ पे अगर हमने कोई लोड दे दिया, यहाँ पे आपको डोंकी लिखना है, तो वो कैरी करता है। नेक्स्ट है कैरीज गुड्स इन डेजर्ट्स। यहाँ पे गुड्स यानी क्या होते हैं, वस्तुएं, डेजर्ट्स यानी जो वारवंट रहता है उसमें जो है कैरीज करते हैं वो है कैमल। वहां पे जो है उसे डेजर्ट की शिप भी कहा जाता है। कैमल्स वहां पे किसी भी वस्तु को ले जाने के लिए कैमल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको कैमल लिखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें जो है बेबीज के नाम लिखने हैं। यहाँ पे हेल्प काउंटर देख सकते हो आप, हेल्प काउंटर में दिया है फोल, कीड, काफ, कप, फॉन, पप्पी, डकलिंग, कप। ओके इनके नाम यहाँ पे लिखने हैं, हमें यंग वंस के नाम लिखने हैं। फर्स्ट जो है बेबी डॉग, बेबी डॉग को हम कहते हैं स्टूडेंट्स पप्पी। तो यहाँ पे आपको पप्पी लिखना है, ये बेबी डॉग होता है पप्पी। ओके छोटा बच्चा डॉग का। ए बेबी काउ, जो काउ की बेबी होती है उसे काफ कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे काफ। नेक्स्ट है ए बेबी लायन, जो लायन का बेबी होता है उसे कब कहते हैं, यहाँ पे हम कब लिखेंगे। ओके देन ए बेबी डक, डक के बेबी को कहते हैं डकलिंग, तो यहाँ पे हम डकलिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ए बेबी हॉर्स, जो हॉर्स का बेबी होता है उसे फोल कहते हैं। नेक्स्ट है ए बेबी डियर, डियर के बेबी को फॉन कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ए डब्ल्यू एन फॉन। नेक्स्ट है ए बेबी बियर, बियर की जो बेबी होती है उसे भी कब कहते हैं। नेक्स्ट है बेबी गोट, गोट के बेबी को कीड़ कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमें सॉल्व करना है, आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है, साथ में नोटबुक में भी ये सभी सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंट एनिमल मेक अ डिफरेंट साउंड। एनिमल जो होते हैं अलग अलग तरह के साउंड निकालते हैं। चूज द राइट साउंड फॉर द गिवन लिस्ट। यहाँ पे हेल्प काउंटर में आपको लिस्ट दी है, जैसे म्यूज है, काउ, रोअर्स, क्रो, ट्रम्पिट, ने, क्वैक, मूज, तो ये क्या है एनिमल्स के साउंड है, उसकी आवाज है, तो हमें वहां पे राइट डाउन करने हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए यहाँ पे लॉयन दिया गया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉयन जो है रोअर करता है, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे स्टूडेंट्स रोअर, आर ओ ए आर एस, रोरिंग करता है लॉयन। देन है काउ, तो काउ मू करती है, मू ऐसे आवाज निकलती है ना। ओके देन जो हॉर्स है, हॉर्स नी ऐसा आवाज निकलता है। नेक्स्ट है कैट,
कैट मियो की थी, मियो मियो ऐसी करती है ना, उसका आवाज है म्यू। ओके, देन है डक, डक क्वैक क्वैक करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वैक। नेक्स्ट है क्रो, क्रो कॉ 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 ऐसे करता रहता है। देन है कॉक, कॉक क्रो करता है, ठीक है, उसके आवाज को क्रो कहते हैं। एंड द इलेफेंट, इलेफेंट करते हैं ट्रम्पेट्स। ओके, इस तरह से उनके आवाज हमें लिखने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सी द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें पिक्चर्स देखना है और यहाँ पे फिलअप करना है। फर्स्ट जो है यहाँ पे ब्लैंक पेज, गिव अस ब्लैंक पेज, यहाँ पे जो है हम लिखेंगे स्टूडेंट्स काउ, काउ हमें क्या देती है, काउ गिव अस मिल्क, काउ से हमें क्या मिलता है मिल्क। देन यस से स्टार्ट होने लगा गिव अस उल, उल हमें किससे मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम शिप, तो यहाँ पे हम शिप लिखेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक पेज प्लब द फील्ड, यहाँ पे देख सकते हो आप बुलब क्या करते हैं, प्लब करते हैं। हेल्प काउंटर यहाँ पे दिया गया है, हेल्प काउंटर से आपको लिखना है, बुलक दिया गया है तो हम बुलक का स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से फिलअप करना है प्लब द फील्ड। देन कैरीज लोड इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो है लोड कैरीज करते हुए कैमल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कैमल। और नेक्स्ट है ब्लैंक पेज गिव अस ब्लैंक पेज, तो हेन यहाँ पे लिखेंगे हेन, गिव अस एग्स। ओके, इस तरह से फिलअप करना है, आपके नोटबुक में भी फिलअप करना है, साथ में जो टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, गिवन बिलो आर सम नर्सरी राइम्स, यहाँ पे कुछ नर्सरी के राइम्स दिए हैं। राइट एप्रोशिएटेड नेम ऑफ द एनिमल इन द स्पेस प्रोवाइड एंड कम्प्लीट द लाइन, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, यहाँ में हम फिलअप करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हेल्प काउंटर दिया है स्टूडेंट्स, स्पाइडर है, शीप है, बर्ड्स है, माउस है, लैम्ब है, यहाँ पे हमें अच्छे से फिलअप करना है, नर्सरी की राइम्स आपको याद करनी है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स मैरी हैड ए लिटल लैम्ब, ऐसी एक आपको जो है कि पोयम थी, मैरी हैड ए लिटल लैम्ब, ए लिटल लैम्ब, ए लिटल लैम्ब, ऐसी जो पोयम थी आपको नर्सरी के यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट है बाबा ब्लैक ब्लैंक पेज हैव यू एनी उल, तो यही सभी को पता है बाबा ब्लैक शीप हैव एनी उल। ओके, नेक्स्ट है हिकरी डिकरी डॉग द ब्लैंक पेज रैन अप द क्लॉक, ये भी नर्सरी को राइम थी, यहाँ पे आपको लिखना है द माउस रैन अप द क्लॉक। नेक्स्ट है टू लिटिल डक्की बर्ड्स, यहाँ पे आपको बर्ड्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है देयर केम ए बिग ब्लैंक पेज एंड सैट डाउन बिसाइड हर एंड फ्राइटेन मिस मफेट अवे, यहाँ पे आपको स्पाइडर लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से फिलअप करना है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है टिक द राइट आंसर, यहाँ पे हमें टिक करना है। द कैट कैन क्लाइम अप द ट्री, यहाँ पे कहा गया है कि कैट ट्री पे क्लाइम कर सकती, चढ़ सकती है, तो नो वो ऊंची नहीं ज्यादा ऊपर चढ़ सकती। देन विच ऑफ दिस हैज अ ट्रंक, ट्रंक किसे रहती है, हॉर्स एलिफेंट, एलिफेंट को रहती है, इसलिए एलिफेंट को करेंगे। देन स्नेक हैज अ नो लेग, यस स्नेक को लेग्स नहीं रहते हैं। विच ऑफ दिस बर्ड्स कैन टॉक और रिपीट अवर वर्ड्स, ऐसा कौन सा बर्ड्स है जो हमारा आवाज रिपीट कर सकते हैं, वो है पैरोट। ओके, इस तरह से टिक करना है आपको। नेक्स्ट सेवन नंबर का क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें नाम देने हैं। कैरीज इट बेबी इन इट्स पाउच, उससे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है हेल्प काउंटर है एंट, ऑस्ट्रिच, फिश, कांगारू, लोकस्ट। ओके, तो जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कांगारू का पिक्चर दिया गया है, कांगारू क्या करता है, उसके बेबीज को पाउच में कैरी करता है, इसलिए यहाँ पे कांगारू का हम स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है कांगारू। ओके, नेक्स्ट है ए फ्लाइटलेस बर्ड, जो फ्लाइटलेस है बर्ड उसे कहते हैं ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है ए फ्लाइंग इंसेक्ट, ये देख सकते हो आप, इसे कहते हैं लोकस्ट, फ्लाइंग इंसेक्ट है वो, पर वो उड़ता है। नेक्स्ट डाइज इफ टेकन आउट ऑफ वाटर, अगर हमने पानी से निकाला तो मर जाएगी, वो है फिश, फिश को अगर पानी से निकाला तो वो डेड हो जाती है। नेक्स्ट एन इंसेक्ट डैट वॉक, ऐसा इंसेक्ट जो चलता है वो है एंट, देख सकते हो आप पाव से चलता है। नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। द लॉयन इज अवर नेशनल एनिमल, ये क्या है, रॉन्ग है, लॉयन नहीं है, टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है, यहाँ पे हम जो है फॉल्स लिखेंगे।
देन एंड आउल इज अ बर्ड दैट कैन सी वेल एट नाइट. आउल ऐसा बर्ड है जो रात को देख सकता है. यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे, सही है ये. पेगविन कैन स्विम बट नॉट फ्लाई. पेगविन क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है पर उड़ नहीं सकता है, सही है. यहाँ पे ट्रू लिखेंगे हम. नेक्स्ट, टर्माइट्स मेक नेस्ट आउट ऑफ लीव्स. जो टर्माइट होती है वो क्या करती है, नेस्ट बनाती है लीव्स से. फॉल्स है ये, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे हम. तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये बाकी के 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं, साथ में आपके टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 15 नंबर का लेसन देखा है, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. नाउ आई एम स्टॉप हियर. थैंक यू.